दोस्तों, हमारा जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है जिसका नाम है ज्योग्राफी। क्या आप ज्योग्राफी से डरते हैं? अगर ज्योग्राफी से आप डरते हैं तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। हमारे चैनल का नाम है ज्योग्राफी आरजे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप इससे अपडेट रहिए। यकीन मानिए, आपके अंदर का डर जो ज्योग्राफी से संबंधित होता है बिल्कुल छुमंतर हो जाएगा। आज हम बात करते हैं हमारी विषुवत रेखा पर कितने देश हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता है, कभी यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है, एसएससी भी पूछता है और छोटे छोटे एग्जाम भी पूछते हैं। चलिए बात करते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं हमारी एक ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी क्या? गोल। यानी पृथ्वी मीन्स भूमि, हमारी गोल है। इस भूमि के बीचों बीच से हमने एक रेखा डाली है। कहाँ डाली है? बीचों बीच से एक रेखा डाली है। किसमें से? भूमि में से। भूमि के बीचों बीच में, अर्थात बीच को क्या कहते हैं? मध्य। भूमि के बिल्कुल मध्य से हमने एक रेखा डाली है, उसको हमने नाम दिया है भूमध्य रेखा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोला यही रेखा बन सकती है, यहाँ बनाएंगे तो छोटी होगी, यहाँ बनाएंगे तो और छोटी होगी, यहाँ बनाएंगे तो और छोटी होगी। यह पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा गोला है, बड़ा वृत्त है, इसलिए इसे महान वृत्त कहते हैं। क्योंकि यहीं से सारी अक्षांशों को खींचा जाता है, इसलिए इसे जीरो अक्षांश कहते हैं। चलिए, ये भूमध्य रेखा है। ध्यान रखो, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल। और इसने उसको दो आधे आधे गोलों में बांट दिया है। गौर से देखिए, गोला धन अर्ध, यानी इसमें गोला और आधा, यानी दोनों को जोड़ के हमने गोलार्ध बनाया है, अर्थात आधा गोला और ये आधा गोला। चलिए बात करते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है, इस पर तीन महाद्वीप हैं। आप याद रखिए, तीन महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? इसमें सबसे पहले जो महाद्वीप है वो एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा इस पर कुल 12 देश हैं। अब याद रखना, यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि आखिर हम 12 के 12 देशों को याद कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, अगर आप चाहो तो इसको 2 मिनट में भी याद रख सकते हो। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए, पैक, जीसी, जक्स एंड किम। अब एक एक करके याद रखिए। बैक यानी ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया। ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया। अब इसे एक 2-3 बार बोलिए अपने मुंह से, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया। ये तीनों ही जो देश हैं वह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, बैक। चलिए इसके बाद है जीसी जक्स, यानी जी से क्या बनता है? गैबोन। सी से कॉन्गो। जे से ज़ाइरे। ध्यान रखिए, ये जितने भी उल्टे सीधे से नाम हमें लगते हैं वो सभी अफ्रीका में है। चलिए, ज़ाइरे को कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसको दूसरे ज़ाइरे के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद इस पर युगांडा, इसके बाद इस पर केनिया, इसके बाद इस सोमालिया। यानी सबसे पहले अगर हम देखें, ये गैबोन, कॉन्गो, ज़ाइरे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ये सब अफ्रीका में है। इसे याद रखना है, जी सी जक्स। फिर इसके बाद दे रखा किम, यानी किरवाती, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आई से इंडोनेशिया, फिर इसके बाद एम से मालदीव। ये आपको याद करने के लिए ट्रिक है, बैक, जी सी जक्स, किम। चलिए, यानी कुल 12 देश अगर हम शुरुआत से बोलना चाहें तो ब्राज़ील, इसके बाद इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर गैबोन, कॉन्गो, ज़ाइरे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, किरवाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव। चलिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन सबको क्या करें? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस इस ट्रिक में थोड़ा सा अंतर करना है। क्या करना है? इस ब्राज़ील को उठाकर हमें क्या कर देना है? थोड़ा सा आगे कर देना है, यहाँ पर कर देना है, बस। अगर आपको इस काम को करना है कि इसको बिल्कुल रिवर्स कर देना है, MIK कर देना है। चलिए, ऐसे कैसे होगा? सबसे पहले हमारा आता है इक्वाडोर, फिर उसके बाद आता है कोलंबिया, फिर आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है गैबोन, इसके बाद आता है कॉन्गो, फिर उसके बाद ज़ाइरे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, इसके बाद आता है मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरवाती। चलिए, ये कुल देश हो गए 12। इन 12 देशों के अलावा 3 महासागर भी इस रेखा
यानी तीन महासागरों से भी यह रेखा गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इसके अलावा यह जो रेखा की कुल लंबाई है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वह है 40,070 किलोमीटर लगभग, अर्थात पृथ्वी की परिधि भी इतनी है। इसके अलावा देखिए एक रिवर है, इसका नाम है कांगो रिवर। कौन सी रिवर है? कांगो रिवर। यह कांगो रिवर इस भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसके अलावा विक्टोरिया जो झील जो कि अफ्रीका में है उसके ऊपरी सिरे में यानी विक्टोरिया झील से होकर भी ये गुजरती है। बस आज जो हम ट्रिक लेके आए हैं, बस आप एक बार इसको दिमाग से अपने बिठा लीजिए और एक बार दोबारा बोलिए, बैक जी सी जक्स किम, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, गैबॉन, कांगो, ज़ायरे, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, किरवाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव। थैंक यू।